हाँ ये विघन हरण मंगल करणे अर लंबोदर गज दंत और जो तेरो सुमरन करे वाके नासत विघने अनंत। सज्जनों ये प्रोग्राम है शिक्षा के ऊपर। आज सरकार केंद्र से लेकर राज्य सरकार सभी शोर मचा रही है कि कोई अनपढ़ मत रहो। अनपढ़ आदमी का जीवन कैसा रहता है, अनपढ़ महिलाएं कैसी होती हैं, और अनपढ़ महिला जिस घर में होती है उस घर की हालत क्या होती है, ये आगे मैं कविता में बताऊंगा। पढ़ा लिखा परिवार होता है वो किस तरह से रहते हैं, इसलिए पढ़ना आज के युग में बहुत जरूरी है। तो ये प्रोग्राम आप शिक्षा के ऊपर सुन रहे हैं। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि उम्र का कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोले गए हैं जहां बुढ़े आदमी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसी विषय में है ये गीत। हार सरकारी स्कूल खुलो भाए दीनावन खाऊंगी, अर सरकारी स्कूल खुलो भाए दीनावन खाऊंगी, ओ बोकू गूठा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगी। सरकारी स्कूल खुलो भाए पढ़ाए बाल और अपजस के भागी बने सो दिए घर को में डाल। शिक्षा पे सरकार अब दे रही भारो जोर और ढाणी ढाणी गांव में से कोई मच रहो भारी शोर। सरकारी स्कूल खुलो भाए पे सरकार अब दे रही भारो जोर। ढाणी ढाणी गांव में तो मच रहो भारी शोर। बिना पढ़े इंसान की सो होय जिंदगी ख्वार और अनपढ़ कोई मत रहो सो भाई शिक्षा अपने द्वार। सरकारी स्कूल खोलो भाए लियो नाम कहती है पिया मेरा भी नाम लिखा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। पड़ोस में रहने वाली एक महिला पढ़ करके शिक्षित हो गई, किताब पढ़ने लग गई, रहन सहन के तरीका सीख लिए और मुझसे गंवार कह के बोलती है शिक्षा अपने द्वार बलम चल रही है सरकारी। अरन तोट पढ़वा जाय पिया ये पड़ोसन मारी। सिदोसी उठ रोजी ना नाय सब बच्चे पढ़ रहे संग में खुद भी पढ़ दे जाए। सुधारो याने सब परिवार और मोसे बात करे जब खेवे अनपढ़ लठ गवारे। सरकारी स्कूल खुलो भाए लियो नाम लिखाऊंगे। परिवार मुंह से बात करे जब खेवे अनपढ़ लठ गंवार।
पड़े से जाकूयो विवेके और मोकू देख रे हसे मिले जब खेवे बूठा टे घर में लड़की देख के तो मत कोई कर जो खेद ये घर में लड़की देख के मत कोई कर जो खेद लड़का और लड़की न में तो तनक नहीं है भेद लड़का जो पट जाए जिंदगी अपनी ले सुधार और पढ़ी लिखी लड़किन से भैया सुधरे तो परिवार सरकारी स्कूल खोलो भाई लिए नाम लिखाऊंगे मोने घूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो भाई लिए नाम लिखाऊंगे मोने घूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे लड़का जो पढ़ जाए जिंदगी अपनी ले सुधार पढ़ी लिखी लड़किन से भैया सुधरे दो परिवार बात तुम मानो सच्ची को मत करो जिंदगी ख्वार रखो मत अनपढ़ बच्ची को उम्र सारी दुख पावेगी और कर खाबो नहीं आयत ना दस दस में नावेगी मिले को बिन्याई पढ़ो भरतार और पढ़े लिखन के बीच बसे जन भीलन को परिवार सरकारी स्कूल खोलो भाई लिए नाम लिखाऊंगे कोने उठा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो शिक्षा का अभाव है जहाँ बिना पढ़ी औरत है बिना पढ़ा पुरुष है उनका परिवार इस तरह से रहते हैं जैसे जंगल में भील रहते हैं रहन सहन का कोई ढंग नहीं होता। देखिए बिना पढ़े शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है और जिस घर में शिक्षा नहीं है जिस जो माँ बाप शिक्षित नहीं है वो उनकी घर की हालत कैसी होती है वो माता पिता कैसे अपने बच्चों को सुधार सकते हैं जो खुद ऐसे रहते हैं। अनपढ़ परिवार की हालत देखिए क्या है। अब सोवे सिदोसी उठत अवेरी पीसत चून तड़े जैसे दानो चंचल चाल गिराड़े में डोले कोड़ी कोसो पूरे तानो मोटे पाव उठक नी एडी लंबो पेट बनो ते खानो जो कोई नेक कहे कछु घर कोतवाई पद सारा हुकी मानो बेमतलब लड़कान कुमार सास ननद से ठोकत फानो दंत कराल मसाल से नैना बिखरे केस भयंकर बानो गाड़ी ते घुर्राय पड़े और सांस भरे जैसे नागिन मानो अनपढ़ औरत घर में आगी तो नार नहीं हुआ नाहर मानो रे सरकारी स्कूल खुलो भाई लिए नाम लिखाऊंगे मोने घूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खुलो भाई लिए नाम लिखाऊंगे मोने घूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। हाँ जी बे मतलब लड़का न कुमारे सास ननद से ठोकत फानो दंत कराल मसाल से नैना बिखरे केस भयंकर बानो गाड़ी ते घुर्राय पड़े और सांस भरे जैसे नागिन मानो अनपढ़ औरत घर में आगी तो नार नहीं वाय ना हर मानो बिना पढ़ी औरत घर के ये हालत रखती है। और छोरा छोरी की नहीं शंका खास खसम के हंडिया मारे देवर जेठन की मत पूछो सास ससुर की मूछ उपाड़े दौर जिठानी पड़े सामी सास ननद को लहंगा फाड़े
ए भगवान नरक दे दे पण ऐसी से मत पल पाड़े रे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोते कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोते कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। अब ये छोरा छोरिन की नहीं शंका खास खसम के हंडिया मारे देवर जेठन की मत पूछो सास ससुर की मूछो पाड़े दौर जठानी वाके पड़े न सामे सास ननद को लहंगा पाड़े ए भगवान नरक दे दे पर ऐसी से मत पल्ले पाड़े बिखर रहे केस सो भयंकर है भेष बिकराल बड़े दंत जे को चौड़ो मुंह फाट्यो है फड़िया फटी है जे में चुटिया उदीक रही ते ही की नसल भरती चाल में सपाटो है टाटन की अंगिया जे में जेवड़ी की तनी बंदी नाड़े के काजर रस्सा मूंचन को काटो है नेपाऊ उतरो जाको तनकन सोती नाए मुड़के न देखो लहंगा पीछे से फाटो है रे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। अनपढ़ औरत के लक्षण हैं ये सज्जनों, किस तरह से कैसे ढंग में रहती हैं। बिखर रहे केस सो भयंकर है भेष बिकराल बड़े दंत जे को चोरो मुंह फाट्यो है फड़िया फटी है जे में चुटिया उदीक रही तेही कीन सल भरती चाल में सपाटो है टाटन की अंगिया जा में जेवरी की तनी बंदी नाड़े के काजर समूजन को काट्यो है नेफाऊ उतरो जा को तन कन सोती नाए मुड़के न देख्यो लहंगा पीछे से फाट्यो है रे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। और कैसे ढंग है बिना शिक्षा के, ये कच्चे रोट उपड़ा से थापत पीसत चून तड़े जैसे दड़िया सौड़े में चूलो भार परेंडी उगुड़ी पीचल की पड़िए गगरिया पीवत स्वान कागनत पानी नाय असीस तेन गिल हरिया मेले बासन जम रही खुरचन लिथरी पड़ी तैर की हंडिया नहावे धोबे को नहीं जाने पूछी नाक बंगाड़ी फड़िया वा घर की बर्बादी हो जाए ते घर नार बस फुवरिया रे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। अब कच्चे रोट उपड़ा से थापत पीसत चून जदे जैसे तड़िया चौड़े में चूलो भार परेंडी उगड़ी है वक जल की घगरिया पीवत स्वान कागनत पानी नावत दे असीस गिलरिया मेले बासन जम रही खुरचन लिथरी पड़ी दैड़ की हंडिया नहावे धोबे को नहीं जाने पूछे नाक बंगाड़े फड़िया वा घर की बर्बादी हो जाए ते घर नार बसे फुवरिया रे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे सरकारी स्कूल खोलो पाए लिए नाम लिखाऊंगे मोने कूटा टेक बतावे पढ़वा जाऊंगे। और कैसे ढंग होते हैं बिना पढ़ी लिखी औरतों के, कैसे होते हैं भैया। दाल में हरदन मिर्च करी जाके साग में नमक न रेंदो फीको दाल में हरदन मिर्च करी जाके साग में नमक न रेंदो फीको पूरी पुआ सेक नहीं जाने तेल से बुरो करो धर घी को बिंगड़े बासन फैले ने
ना खातर केर न जाने दूध दही को बासन फैल रहे बैखड़ में केर न जाने दूत दही को उपने दूत मेरी लुंडके ठाड़ी हो गई क्वार पे आई कागा उड़े मलाई खाके आंगन में हो स्वान लड़ाई लुंडके जेठ फूल के बासन शक्कर में दियो नमक मिलाई कैसे पार पड़े वा घर में जे घर नार बिना पड़ी आई रे सरकारी स्कूल खोलो भाई लिए नाम लिखाओगे मोन टूटा के बतावे पढ़वा जाओगे सरकारी स्कूल खोलो भाई लिए नाम लिखाओगे मोन टूटा के बतावे पढ़वा जाओगे। जिस घर में बिना पढ़ी औरत होती है वहां न कोई खाना बनाने का ढंग है और न रहन सहन का ढंग है। दाल में हरदन मिर्च करी जाके साग में नमक न रांधे फीको पूरी पुआ सेक नहीं जाने तेल से बुरो करे धर घी को बासन फैल रहे बैखड़ में केर न जाने दूत धई को उपने दूत महेरी ढुड़के ठाटी हो गई द्वार पे आई कागा उड़े मलाई खाके आंगन में हो स्वान लड़ाई लुंड के जेठ फूट जाए बासन शक्कर में दियो लोन मिलाई कैसे पार पड़े वा घर की जे घर नार भसूंडी आई रे सरकारी स्कूल खोलो भाई लियो नाम लिखाओगे मोन गोटा टेक बतावे पढ़वा जाओ जनों बिना पढ़े की कोई कदर नहीं है। देखिए संबंध भी होते हैं ब्याह सगाई भी होते हैं तो ऐसी चाल चल गई कि अनपढ़ की तो संबंध होना भी मुश्किल है। अरे चलन चल गो भाये ला नौकर छोरी दे बाको हो चलन चल गो भाये ला नौकर छोरी दे बाको नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ रे वा को चालन चल गो पाए ला नौकर तू चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ रे वा को चालन चल गो पाए ला नौकर तू चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ रे वा को नौकर होए और बैठी खावे जन्म तक तो छोरी पंखा नीचे सोए। आज के युग में सब आदमी नौकर के अपनी बच्ची को देना चाहता है। अब अनपढ़ तो रंडुआ मरोर ये सब कोई नौकर होए और बैठी खावे जन्म तक तो छोरी पंखा नीचे सोए ओ चलन चल गो भाये ला नौकर कू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ देवा को चलन चल गो भाये ला नौकर कू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ देवा को चलन चल गो भाये ला नौकर कू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या को रंडुआ देवा को अनपढ़ तो रंडुआ मरोर सब कू नौकर होए बैठी खावे जन्म तक पंखा नीचे सोए। और आज के समय में कैसी चाल चली है कैसी चली है चाल कछु ऐसी आई चलती एकदम देखी समय बदलती कोई हो जाए नौकरी में भरती दुनिया डोले पीछे पड़ती तू ले ले मेरी लड़की चाहे तेरे पी गौ नहीं है धरती कर रहे हो जमानो कटती
सहवा की मैया ही डोली बनती चलने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को चलने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को। अगर किसी का लड़का नौकरी में लग गया तो कोई बेटी वाला ये नहीं पूछता ये कैसा खानदान है और ये कैसा आदमी है। नौकरी वाले के सब अवगुण खत्म हो जाते हैं, जैसे घोड़ी के चार पैर धोड़े सफेद हो जाते हैं, उसको पच कल्याणी कहते हैं, सब ऐब दबे जाते हैं। इसलिए जिनका लड़का पढ़ गया उनकी सब कमी निकल गई। इसलिए शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से भाई ऐसा करते हैं, लड़की चाहे पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन लड़का जरूर पढ़ा लिखा हो, ऐसा अनमेल विवाह करके और वो बाद में पछताते हैं, धन भी गया और उस संबंध में बाद में दखल आती है। ऐसे संबंध 40% कोर्ट में समधी समधियों के बीच में उलझ रहे हैं। ये शास्त्र का सूत्र है, संबंध में अपने समान देख करके रिश्ता करना चाहिए। रामायण जी में भी लिखा है पार्वती के संबंध में, जो घर भर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, अपने जैसा घर और लड़की की योग्यता के अनुसार लड़का देख करके संबंध करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज के भाई कुछ ऐसे हैं जो पैसा के बलबूते अपने अवगुण को नहीं देखते और क्या करते हैं, ये सुता भ्यावनी हो गई सोचत है सबको, सुता भ्यावनी हो गई सोचत है सबको, अरे छोरी तो अनपढ़ मगर कोई छोरो नौकर हो, चलने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को, चलने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को। सुता भ्यावली हो गई सोचत है सब को, ये छोरी तो अनपढ़ मगर छोरो नौकर हो, ये जचे नहीं अनपढ़ के वाड़ो और नौकर हो, ये जरूर चाय हो वे रंग को काड़ो, मांग ले पैसा मोंडे से और बर टूटी पे हो, ये गरज नहीं धरती ढोंडे से, नहीं छोरा छोरिन को मेले और पैसा के बड़सा भी कर गई पीछे बिगड़े खेल, चालाने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को, चालाने चल गो दुनिया में नौकर तू छोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा। पीछे पिंगड़े खेल पड़े नौकर के गड़े फांसी और अनपढ़ नारी देख करे सब यार दोस्त हांसी, गयो धन शादी को बेकार और घर की से मुख मोड़ करे गो पढ़ी लिखी से चालान चल गो दुनिया में नौकर तू चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को, चालान चल गो दुनिया में नौकर तू चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो दंडवा रेवा को। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है अनपढ़ लड़कियों की शादी पढ़े लिखे लड़कों के साथ कर दी, जो अधिकारी हैं बड़े कर्मचारी हैं वो लड़कियों को साथ में नहीं ले जाते, कहते मेरे यार दोस्त मेरे से मजाक करते हैं। इसलिए अनपढ़ बेटी वालों से ये निवेदन है कि लड़की की योग्यता के अनुसार ही लड़का देखें। गयो धन शादी को बेकार और घर की से मुख मोड़ करे गो पढ़ी लिखिन से प्यार, करो मत घर की बर्बादी और मेल मिला के करो सफल, जब होवेगी शादी
करो मत भैया या मैं भूल और बिना पड़ी मत रखो खनाओ छोरी न कोई स्कूल रे चालान चल गो दुनिया में नौकर को जोरी देवा तो नंबर बिना पड़ा को या गो दंडवा रेवा को चालान चल गो दुनिया में नौकर को जोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को या गो दंडवा रेवा को। सज्जनों कुछ अच्छे खानदान के होते हैं लेकिन 100 में से 5% और वो भी नीले जाते हैं, घर से नहीं भगाते लेकिन साथ में नहीं रखते। तो देखिए जब दो चार छह महीने साल भर में कभी वो छुट्टी आता है तो घरवाली क्या कहती है, बिना पढ़ी घरवाली होती है और वो क्या कहती है पढ़े लिखे से, अब पढ़ो लिखो भरतार नौकरी करके आ नौकरी कर बेचावे गो और छह महीना में एक बेर छुट्टी पे आवे गो लगे नहीं घर में रोजिया और अब के ले चल संग दिखाला बम्बई को पिया। घरवाली निवेदन करती है अब के तेरे साथ बम्बई मुझे भी ले चल। तो वो पढ़ा लिखा नौकर आदमी क्या कहता है अपनी घरवाली से, पति ने समझाई नारी अरे तू अनपढ़ अज्ञान फेर वो नहीं आवे साड़ी ढंग नहीं बोली पानी को तुप कर खावो नहीं आई गैस पे रोटी पानी को चालान चल गो दुनिया में नौकर को चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो लंडवा रेवा को चालान चल गो दुनिया में नौकर को चोरी देवा को नंबर बिना पड़ा को आगो लंडवा रेवा को। इधर कोई बिना पढ़ी कोई पढ़ी लिखी लड़की को अनपढ़ के दे देता है उसका भी बेहाल होता है और पढ़ी लिखी अगर पढ़े लिखे लड़के के साथ हो तो ठीक है, अगर अनमेल साथी है तो दोनों पक्ष दुखी रहते हैं। एक लड़की अनपढ़ पति के साथ रह करके क्या कहती है, मैं बिना पढ़ा कहते थी मैया लहंगा फट गो झाड़न में अरे बिना पढ़ा कहते थी मैया लहंगा फट गो झाड़न में मारी लोड़ी बहन गिनोड़ी डोल कारण में बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना फट गो झाड़न में मारी लोड़ी बहन गिनोड़ी डोल कारण में बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना फट गो झाड़न में मारी लोड़ी बहन गिनोड़ी डोल कारण में। इधर एक अनपढ़ नारी पति से साथ चलने के लिए निवेदन करती है और पति कहता है तू अनपढ़ है अज्ञान है मेरी मजाक होगी वहां मेरे साथी लोग मेरी मजाक करेंगे, तू सायो और साड़ी पहनना नहीं जानती और गैस पर रोटी करना भी नहीं जानती। तो वो लड़की क्या कहती है, क्या कहती है भैया, अरे दो दिन मैं भरतार गैस पे रोटी कर लूंगी मैं काजल टीकी लगा मांग में लाली भर लूंगी डटे गो कई दिन मिठ बोला और बोली बाणी मोय सकाले चिल घर पे ढोला। क्या कहती है, तुम कई दिन की छुट्टी आए बोलने का ढंग मुझे तुम घर पे ही सिखा ले चलो और दो दिन में मैं गैस पे खाना बनाना सीख लूंगी साड़ी भी पहन लूंगी और ठीक ठाक ढंग से तुम रह लूंगी तुम्हारी मजाक नहीं करने दूंगी। पति ने समझाई नारी और लहंगा फड़िया छोड़ पहन जो तू सायो साड़ी रे बिना पड़ा के दे दी मैया लहंगा फड़ जो जालन में मारी लोड़ी बहन की लोड़ी डोले कारण में बिना पड़ा के दे दी मैया लहंगा फड़ जो जालन में मारी लोड़ी बहन की लोड़ी डोले कारण में। तो नौकर ने अनपढ़ घरवाली को क्या समझाया,
कि तू ये साये और लुगड़ी छोड़ करके और सायो और साड़ी पहन। पति ने समझाई नारी लहंगा फड़िया छोड़ पहन, जो तू सायो साड़ी और जब मेरे साथ चले तो बाहर रहने पर सही बोली का ढंग सीखो। घरवाली कहने लगी जैसे आप बताओगे वैसे ही बोलूंगी। तो क्या कहता है, बोल जो बोली कह के आप। यहाँ तो तू कहती है तू कहाँ से आया, तू कौन है, तुम कभी भी अब शब्द भी पेश कर देती हो बाहर जाने पर पढ़े लिखे आदमियों में आप कह के बोलते हैं। कोई भी हो तो कैसे बोलेगी आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आपके बिना नहीं बोलेगी। बोले ठीक है इसको तो मैं सीख गई। बोल जो बोली कह के आप। और पढ़े लिखे में एक ज्यादातर दो तीन शब्द ऐसे हैं उनको रट ले। वो घरवाली कहने लगी तुम बताओ कौन से शब्द हैं, तो वो क्या कहते हैं, बोल जो बोली कह के आप। पति से थे हस्बैंड और नारी से थे वाइफ। पति से हस्बैंड कहते हैं और स्त्री से वाइफ कहते हैं। जब मेरे बारे में कोई पूछे ये कौन है तो तुम बताना ये मेरे हस्बैंड है और आप इनकी क्या लगती है, मैं इनकी वाइफ लगती हूँ। बस ये दो तीन बातें इनको सीख जाएंगी तो फिर तो मैं ढाबलूंगा। घरवाली कहने लगी मैं तो इनको सीख गई, को इन बातों को पक्की कर ले जब तक मैं छुट्टी पूरी करूं। पढ़ा दईनो अनपढ़ नारी वन पहरो पेटी कोट फेन लई ऊपर से साड़ी, हो गई सज धज के तैयार तेने काशी क्यों बोझ बता न्यो पूछ रहो भरतार। साड़ी पहन करके तैयार हो गई साथ चलने को। नौकर आदमी कहने लगा मैंने जो बात सिखाई होते ने पूरी सीख ली। घरवाली कहने लगी मैं पूरी बात सीख ली कि बता क्या कहेगी, पति से क्या कहते हैं और घरवाली से क्या कहते हैं। तेने काशी क्यों मोय बता न्यो पूछ रहो भरतार, भूल हस्बैंड भूल गई वाइफ और पति से खेदई हैंड पंप नारी से खेदई पाप। बिना पड़ा के दे दिया मैया लहंगा पड़ गो जालन में, मारिय लोड़िय बैठ के नोड़ी डोले कारण में। बिना पड़ा के दे दिया मैया लहंगा पड़ गो जालन में, मारिय लोड़िय बैठ के नोड़ी डोले कारण। इसलिए अनपढ़ लड़की नहीं रखनी चाहिए, पढ़े लिखे के साथ दे दी। वो कहने लगा उसने समझाई तो थी कि पति से हस्बैंड कहते हैं और घरवाली को वाइफ कहते हैं, और जब परीक्षा ली तो हस्बैंड की जगह तो हेडपंप कह दिया और वाइफ के लिए पाइप कह दिया, पति उसको वहीं छोड़ गया। पढ़ी लिखी स्त्री कैसे रहती है, पढ़ी लिखी होशियार साथ नौकर के जावेगी और सुख पावेगी बहुत, रोज साबण से नावेगी, सुधर जाए रहन सहन को ढंग और पंखा नीचे सोए छांव से गोरो पड़ जाए रंग। बिना पड़ा के दे दिए मैया लहंगा पड़ गो जालन में, भारी लोड़ी बैठ के नोड़ी डोले कारण में। बिना पड़ा के दे दिए मैया लहंगा पड़ गो जालन में, भारी लोड़ी बैठ के नोड़ी डोले कारण में। पढ़ी लिखी होशियार साथ नौकर के जावेगी, सुख पावेगी बहुत, रोज दिन उठ के नावेगी, सुधर जाए रहन सहन को ढंग, पंखा नीचे सोय छाम से गोरो हो गयो रंग। लगावे क्रीम और पाउडर घूमती हो के कतई निडर, करे दिन में मेकअप दो बार, बोल चाली में बड़ी होशियार, रूप में रंभा उलझ रही है वाकी बॉडी में मोबाइल टनाटन घंटी बज रही है। रे बिना पढ़ा के दे दिए मैया लहंगा पड़ गो जालन में, भारी लोड़ी बैठ के नोड़ी डोले कारण में। बिना पढ़ा के दे दिए मैया लहंगा पड़ गो जालन में, भारी लोड़ी बैठ के नोड़ी डोले कारण में। सज्जनों ये शिक्षा की बात है, बिना पढ़े की कदर नहीं है। लेकिन कुछ समाज ऐसी भी हैं आज
जहां पढ़े लिखों की भी कदर नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, पढ़े लिखे भाई, शिक्षित वर्ग सब ऐसा कहता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। और लड़कियों की शिक्षा पर तो विशेष जोर दिया जा रहा है, फिर भी जो लड़की शिक्षित है, अगर किसी गरीब बाप ने बेटी को पढ़ा दिया तो उसमें दिशा आ गई, क्योंकि अनपढ़ के साथ वो शादी नहीं करता। और पढ़े लिखे आदमी, नौकर कर्मचारी या कोई भी अधिकारी हो, चाहे लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, दहेज भर मोह मांगते हैं। अब गरीब ने बेटी को पढ़ा दिया, दहेज नहीं है, तो वो संकट में आ गया। ऊपर से नीचे तलक शिक्षा रहे पुकार, भाई ऊपर से नीचे तलक शिक्षा रहे पुकार, पर दहेज के सामने से कोई शिक्षा है बेकार। बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना पट गो जाड़न में, मारी लोड़ी बैठ के लोड़ी डोले कारण में, बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना पट गो जाड़न में, मारी लोड़ी बैठ के लोड़ी डोले कारण में। ऊपर से नीचे तलक शिक्षा रहे पुकार, पर दहेज के सामने तो शिक्षा है बेकार। शिक्षा है बेकार, गरीब ने सुता पड़ा दइए, और वाई दिना से जान दिशा राहू की आ गई है। करे नहीं अनपढ़ से शादी, वन लागत दई लगाय उड़ा दई घर की बर्बादी। पड़े भर मुंडो मांगे लोट, और घर में नहीं है रकम, झले कैसे गरीब पैचो। बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना पट गो जाड़न में, मारी लोड़ी बैन की बाड़ी डोले कारण में, बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना पट गो जाड़न में, मारी लोड़ी बैन की लोड़ी डोले कारण में। सज्जनों, गरीब ने घर की लागत लगा के, मजदूरी करके अगर लड़की को पढ़ा दिया और लड़की पढ़ गई, अब अनपढ़ के साथ शादी नहीं करता, पढ़े लिखे नोट मांगते हैं, अब गरीब के पास है नहीं, वो बेचारा क्या करे। ये तो सब लड़के वाले पूछते हैं, लड़की कितनी पढ़ी है और पढ़ाई शिक्षा की वो बताई, मेरी लड़की इतनी पढ़ी है, ठीक है संबंध कर लेंगे। अब बाद में पैसे और मांगते हैं, इस पैसे ने, इस दहेज ने शिक्षा को कमजोर कर दिया। गरीब आदमी बेटी को अनपढ़ रखना पसंद करता है दहेज के सामने। पड़े भर मुंडो मांगे लोट, और घर में नहीं है रकम, झले कैसे गरीब पे चोट। जान आ गई है कोड़ंदा में, और दानव बिनो दहेज बिचारो फंस गो फंदा में। बेटी वाले का ये हाल होता है, और बेटा वालों का क्या हाल है। अगर किसी का बेटा पढ़ करके और सिपाही भी बन गया, तो उसका बाप बिना ही पढ़ा थानेदार बन गया घर बैठे। बेटा से पहले बाप ऐसा बन गया मानो मैं थानेदार हूं। इधर किसी का बेटा पढ़ के पकड़ ले रोजगार, और बनो सिपाही पुत्र बाप वाक अनपढ़ थानेदार। करे बेटी वाड़ो अर्जी, ऊ अनपढ़ थानेदार लगावे तारा मन मर्जी। रे बिना पढ़ा के दे दी मैया लेना पट गो जाड़न में, मारी लोड़ी बैठ के लोड़ी डोले कारण। करे बेटी वाड़ो अर्जी, ऊ अनपढ़ थानेदार ल
लगावे धारा मन मर्जी बात नहीं खेवे तोल सतोले और लड़की मांगे पटी लगावे नहीं शिक्षा को बोले बनी शिक्षा कांटों की से जे और नई शिक्षा की कदर जगत में दानव बिनो दहे जे बिना पढ़ा के देती मैया लेना पटको जालन में बात लौड़ी बहन लौड़ी डोले कारण में बिना पढ़ा के देती मैया लेना पटको जालन में मारी लौड़ी